हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शैले मलिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। एंड हियर आई ब्रिंग अ न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इज़ फ्रॉम अप्लाइड लिंग्विस्टिक लेवल्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेंटिक, सिमेंटिक मीन्स शाब्दिक वर्ल्ड। ओके, सो देर आर थ्री लेवल्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस। फर्स्ट इज वर्ड सिमेंटिक्स, देन वर्ड मेक्स अ सेंटेंस, एंड सेंटेंस लेवल, व्हेन अ सेंटेंस लेवल इज कंप्लीटेड, देन वी मेक अटरेंस। ओके, सो द लेवल ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। वन इज वर्ड सिमेंटिक्स, देन सेंटेंस लेवल, देन अटरेंस। नाउ वर्ड सिमेंटिक्स वी कैन कॉल इट लेक्सिकल सिमेंटिक्स ऑल्सो। And in this lexical semantics, we have two parts. One is reference and second is sense. So this reference and sense is a term that is introduced by a German philosopher or mathematician. Okay, so his name is Forge. So here we try to understand what is reference and what is sense. So reference means when I gave you a sentence, watch out for the cat. Okay, watch out for the cat, and I make a picture of cat. So cat is the reference of the word. They are written over here. The cat is the reference of the picture. Okay, आपका जो ये cat लिखा हुआ है, जब हम ये पढ़ेंगे watch out the for the cat, तो फिर हम उसका reference ढूंढेंगे, तो हम वो ढूंढेंगे कि हमें वहाँ पर सामने एक picture दिखी, तो वहाँ पर हमने उस picture को देख लिया। अब ये तो हो गया कि उसने, उस word ने हमें reference दिया कि हमें किसको देखना है, cat को देखना है। अब बात आती है सेंस की। सेंस क्या होता है कि हमारे माइंड में जैसे ही हमने वो पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा वॉच आउट फॉर द कैट, एट द टाइम हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि कैट किस तरीके की होती है, एक कंसेप्ट बन जाता है कि कैट किस तरीके की होती है। और अगर हमें वहाँ पर कैट की जगह डॉग दिखाई दे, तो क्या हम उसे रिलेट कर पाएंगे? नहीं करेंगे। तो सेंस क्या है कि एक कॉन्सेप्ट बन जाना माइंड के अंदर, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाना कि कैट इस तरीके की दिखती है। और रेफरेंस क्या है, जो शब्द वहाँ पे दिया हुआ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी पिक्चर को देखना, उसको रेफर करके हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड द सेंस। ओके, नाउ दिस यहाँ पर जो है, हम सिमियोटिक ट्रायंगल की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है ऑडगन रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने एक थियोरी दी है मीनिंग्स ऑफ मीनिंग। शब्दों में भी शब्दों के मीनिंग होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने डॉग की बात की या कैट की बात की, तो हमने एक पिक्चर देखा डॉग का, वो जो वर्ड है डॉग, वो डिनोट कर रहा है उस पिक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉग है वो एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, शब्दों का एक्सप्रेशन है जो सिग्निफाइज कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। और फिर दूसरी तरफ हम देखें सेंस कैसे है, यहाँ पे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन से हमारे माइंड में सेंस बना, जिसने डिटरमाइन किया कि वो पक्का ऐसा ही दिखाई देता होगा। अगर वहाँ पे हम कैट की जगह डॉग को या डॉग की जगह कैट को रख देंगे, तो हमारा माइंड उस सेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड सेंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। So here, as I told you, that sense and reference introduced by German mathematician and philosopher Gottlob Frege in 1892 in his article Über Sinn und Bedeutung. So here, Frege gave an example. फर्ज ने भी एक एग्जाम्पल दिया है। ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। उसने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, दो टर्म्स यूज़ किए हैं। एंड एज़ यू नो, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं, आपके वीनस प्लैनेट से रिलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है, ये किसका रेफरेंस दे रहे हैं आपको? प्लैनेट वीनस का रेफरेंस दे रहे हैं। और सेंस कैसे बनेगा कि मॉर्निंग स्टार कब होगा? जब सुबह निकलेगी, जब डॉन होगा तब मॉर्निंग स्टार होगा। और इवनिंग स्टार कब होगा? जब सनसेट होगा, तो ये इवनिंग स्टार होगा।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड सेंस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल.